दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ के लिए मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर नए पैटर्न पर आधारित है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस रेड कलर के बटन क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं बार बार बोलता हूं, सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखिए मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 12 आएंगे। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं आपके जीके के क्वेश्चन, जिसमें साइंस, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और भी काफी चीजें हैं जो पूछी जाएंगी। तो आप अपनी पढ़ाई पर विशेष तौर पर ध्यान दें। लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाएं और अपने अंदर एक नया जोश उत्पन्न करें कि हमको इस बार खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करना है और इसका एग्जाम क्रैक करना है। हमको पता है कि इस लॉकडाउन में आप या तो मोबाइल चला रहे होंगे, या सो रहे होंगे, या तो टीवी देख रहे होंगे, तीन में आप एक काम कर रहे होंगे, ये तो कंफर्म है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे वीडियो पर व्यूज पहले अच्छे आते थे और कमेंट्स भी आते थे, सभी बच्चे क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देते थे, आज मैं कुछ बच्चों का नाम बताऊंगा जो बच्चे कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन के आंसर देते हैं। खासकर उन सब में लड़कियां सबसे आगे हैं। देखिए जो बात सच है वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा इस मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस सेट में जिस चीज की मैं बात करूं, हर क्षेत्र में लड़कियां ही भाग ले रही हैं। तो देखिए कल मैंने एक प्रैक्टिस सेट डाला था, उसमें लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताए और अपना स्कोर भी बताया। लड़कों के कमेंट्स देखें तो लड़कों के कमेंट्स में देखने को मिलते तो कोई एक लोग, एक बंदा था वो बोल रहा था कि क्या करें सर, किस्मत ही खराब है, मैं सो रहा था। तो भैया बताइए, इस टाइम सो रहे हो, लॉकडाउन में सो रहे हो, लॉकडाउन कब खत्म होगा ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है, लगभग लगभग खत्म हो चुका है, कई राज्यों से कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। 4 से 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी कोरोना वायरस है, वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी पर फोकस सबसे ज्यादा करें। जो भी मेरी बहन है, माताएं हैं, मेरे भाई हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना हो, सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबसे ज्यादा लड़कियां इसमें भाग ले रही हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर दे रही हैं, तो उन सभी बहनों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उन सभी भाइयों को जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, उन सभी भाइयों को भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं। तो सभी भाई और बहन, माताएं, सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं कमेंट की बात कर रहा था, देखिए इसमें जो कमेंट्स करने वाले छात्र हैं उसमें सबसे पहले नाम आ जाता है रोगी गौतम का, इसके बाद झनक कनक का, फिर नीलम नारायण का, इसके बाद आपके आ जाते हैं आलोक सिंह, संगीता सिंह, मनीष भदौरिया, रूबी गौतम, नेहा गुप्ता, प्रिया सिंह, आलोक सिंह, संगीता सिंह, मनीष भदौरिया, नीलम गुप्ता, संगीता सिंह, राजा, मनोज कुमार, निशु कश्यप, प्रिंस यादव, राजा, प्रिया सिंह, पूनम स्वीट्स, रूबी गौतम, शुभम राजावत, संगीता सिंह, प्रिया सिंह। ज़्यादा कमेंट्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स करने वाली जो छात्राएं हैं वो लड़की हैं। लड़के बहुत ही कम कमेंट्स कर रहे हैं, तो लड़के पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, इतना तो हमको पता ही चल गया है। तो चलिए जो भी आपका मन करे वो आप करिए। मेरा काम है आपको क्या कहते हैं, मुझको शब्द नहीं मिल रहे हैं, मेरा काम है आपको जागरूक करना, जागरूक बोलते हैं, मैं आपको जागरूक कर रहे हैं। यदि आप जागरूक हो जाते हैं तो सन 2020 आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस होगा नौकरी पाने का, आगे आपकी मर्जी। जैसा कि आपको पता है कि 69,000 जो टीचर की वैकेंसी थी 2018 से, जो लड़की लड़की थी वो भी अब क्लियर होने वाली हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकते हैं।
और अपने सपनों को एक नया रूप और एक नया आयाम दे सकते हैं। तो बढ़ चढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी हो सके सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर जरूर दें और अपना स्कोर भी बताएं। थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया था तो पहला क्वेश्चन, आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट हैं? एक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का समय, और इन 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर पुट अप करना है कहां पर, कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा देवताओं की स्तुति। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? ऑप्शन सी हेलियोडोरस। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो ये किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए महिपाल। चौथा क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो भैया मेरे ये अवस्थित है ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्थात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। छठा क्वेश्चन, भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन ए घरेलू क्षेत्र। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन सी अशोक। एक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए कार्नवालिस ने। चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? चंद्रनगर। तो भैया मेरे चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? ऑप्शन बी फ्रेंच। अगला क्वेश्चन, लाल लिटन द्वारा गृहित वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? तो भैया मेरे इसका उद्देश्य क्या था, सभी भाई बहन माताएं क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑप्शन डी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। अगला क्वेश्चन, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? ऑप्शन डी 1757 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट। तो भैया मेरे रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? ऑप्शन सी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। 15वां क्वेश्चन, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं? किसके कारण उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए भूकंप के कारण। सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगें भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो भैया मेरे ये किस नदी पर अवस्थित है? ये अवस्थित है कावेरी नदी पर, याद कर लीजिए। 17वां क्वेश्चन, गंगा घाटी की नदियों के किनारों पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं खादर मृदा। मैंने आपको बताया कि एक से क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? ऑप्शन ए मोहन। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन सी संसद।
भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। मैंने एक यूट्यूब पर एक चैनल क्रिएट किया है, चैनल का नाम है सरकारी नौकरी ज्ञान। तो भैया मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करें। उस चैनल के माध्यम से आपको जीके और दैनिक रोजगार समाचार उस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है? उस चैनल पर आपको जीके रोजगार समाचार पत्र बराबर मिलेंगे। तो एक काम करिए, यूट्यूब पर जाइए और चैनल को सर्च कीजिए, नाम क्या है, सरकारी नौकरी ज्ञान। इसको सर्च करने के बाद सबसे नीचे आएगा, फिलहाल सबसे ऊपर नहीं आएगा, उसमें सब्सक्राइबर करीब 26 हैं लेकिन शो नहीं करेंगे। सरकारी नौकरी ज्ञान ये इस चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद आपको विज्ञान की और दैनिक रोजगार समाचार पत्र के लिए आपको हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। तो देखिए, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भी आपको डालना होगा सरकारी नौकरी ज्ञान। ग्रुप से है मेरा, सरकारी नौकरी ज्ञान ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। वहां पर भी आपको तरह तरह के जीके के नोट्स, पीडीएफ और रोजगार समाचार से रिलेटेड सभी जानकारी मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संतुष्टि दी? ऑप्शन बी द्वि स्तरीय। 22वां क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह, तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आप विश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता। सबसे कट्टर शासक था महमूद गजनवी। तो देखिए, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य कौन सा था? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, देश की संपत्ति को लूटना। जो आपका आपने सुना होगा कि सोमनाथ का जो मंदिर लूटा गया था, ये किसके द्वारा लूटा गया था, ये आपको पता है? नहीं पता है? हमको तो पता है कि सोमनाथ के मंदिर को, इतिहास में आप देखेंगे कि सोमनाथ के मंदिर, जो मंदिर को लूटा गया था, सबसे ज्यादा संपत्ति सोमनाथ के मंदिर को लूटने में गई थी। किस शासक के द्वारा सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, बहमनी राज की स्थापना की थी, किसने की थी भैया मेरे बहमनी राज की स्थापना? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन। वायुमंडल में वायु के 36 संचलन से होने वाला ताप ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो भैया मेरे ये कहलाता है ऑप्शन बी अभिवहन। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश को भारत में राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? किसके बाद प्राप्त हुई? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध। सभी बहनें, सभी भाई, सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, यदि आप कुछ बन जाएंगे तो हमारे चैनल की वैल्यू बढ़ेगी। मैं भी सीना ठोंकर कह सकता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए। तो भैया मेरे कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए। जो भी मैं आपको मॉक टेस्ट से दे रहा हूँ, यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप, हमें पता है, लॉकडाउन में आप आराम कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से आप लोग। उसमें आपको रीजनिंग, मैथ दोनों के भी वीडियो मिलेंगे, हर टाइप की वीडियो मिलेंगे और हर टॉपिक के वीडियो मिलेंगे। देखिए, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट इसलिए करा रहा हूँ मैं आपको, ताकि जो आपकी जो पढ़ने की जो लालसा है वो जागरूक रहे। कहने का मतलब मेरा ये है सिर्फ कि आप पढ़ने के प्रति, आपका जो विश्वास टूट गया है लॉकडाउन में, वो विश्वास फिर से उत्पन्न हो एक नए जोश के साथ। तो यह क्वेश्चन है कि एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है तथा किसी को भी परावर्तित नहीं करती, प्रतीत होती है। ऑप्शन ए काली। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन उपबंध किस देश की देन है? किस देश की देन है? ऑप्शन ए जर्मनी। अगला क्वेश्चन,
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? किस राज्य में है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, किस सूची में सूचीबद्ध है? राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का परोक्ष कर नहीं है? ऑप्शन सी निगम कर। जब बर्फ गलती है तो इसका क्या होता है? जब बर्फ गलती है तो इसका क्या होता है? तो भैया मेरे आयतन घटता है। अगला क्वेश्चन, भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर सामान प्रवेश का अधिकार शामिल है? ऑप्शन सी समानता का अधिकार। पवित्र संधि निम्न में से किन देशों के बीच हुई? पवित्र संधि किन दो देशों के बीच हुई? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा। योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग को प्रारंभ किया गया? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। ऑप्शन ए इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन। 3 सेकंड का टाइम इसमें भी है आपका। आयुष्मान भारत कार्यक्रम की पहली कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? कहाँ पर आयोजित की गई? शिमला, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? किसके शासनकाल के दौरान? कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या चोटी कौन सी है? कौन सी है भैया मेरे? अनाई मुड़ी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? कौन जिम्मेदार थे? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऊष्मा मापन पदार्थों के लिए जल उचित नहीं होता क्योंकि यह, ऑप्शन डी उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला है। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन डी समाजवादी। अगला क्वेश्चन, पाचन प्रक्रिया में निम्न में से किसकी सहायता ली जाती है? किसकी सहायता ली जाती है? ऑप्शन डी एंजाइम की सहायता ली जाती है। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किस संस्था को प्राप्त है? किस संस्था को प्राप्त है? ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम है कौन सा है? तो भैया इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सौभाग्य। महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। पूना समझौते का उद्देश्य था, पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? तो भैया मेरे ये किया था अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? ऑप्शन सी विश्व भारती।
निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य प्राणी जात को कहते हैं? तो भैया मेरे इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी फाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो सेकंड मानक को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? बच्चों बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए 0.05% या इससे कम। गतिमान एक्सप्रेस 1 सेंटीमीटर हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम डॉट 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 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ऑप्शन डी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है, गतिमान एक्सप्रेस। भारत में आयकर को कहा जा सकता है? तो भैया मेरे भारत में आयकर को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? ऑप्शन सी एक प्रिंटर की मरम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? ऑप्शन बी ड्रिप प्रणाली। अगला क्वेश्चन, ईख की अधसालिक किस्म की फसल अवधि क्या है? ऑप्शन बी 18 माह। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजी खाता में परिवर्तना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हैं, उपरोक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन जो डी आपका है, पहला दूसरा और तीसरा। देखिए सभी सही हो जाएंगे, पहला दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? पूरा। केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 30 अक्टूबर 2020। वर्ष 2019 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन डी आयदान सिंह। ऑप्शन डी जो आपका है आयदान सिंह, ये सही हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2019 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी स्टाफनोस सिपियप्पास। वैश्विक इंटरनेट कवरेज के लिए हाल ही में किस संस्थान कंपनी ने 7 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए? स्पेस एक्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो भैया मेरे यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पैरा विश्व पैरा एथलेटिक्स 2019 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? ऑप्शन डी 24वें।
किस देश के राष्ट्रपति ने हांगकांग में लोकतंत्र की मांग हेतु चल रहे प्रदर्शनों का समर्थन करने संबंधी एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? ऑप्शन सी अमेरिका। निम्नलिखित में से किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया है? ऑप्शन बी आईआईटी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? ऑप्शन बी वालरस। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वाजनित जी बराबर 100 मीटर सेकेंड स्क्वायर, अगर चंद्रमा का गुरुत्वाजनित त्वरण इतना इतना हो तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो भैया मैंने क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 किलोग्राम। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है? ऑप्शन डी विषाणु के कारण। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया को। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस टीवी सिग्नल नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ऑप्शन बी डिंबक। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर वेरी हार्ड और बहुत तन वेरी डिस्किल्स है? ऑप्शन डी नाइक्रोम। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुमेलित करने के लिए इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्मन जर्मन सिल्वर का टिन से हो जाएगा, सोल्डर निकेल, ब्लीचिंग पाउडर सोडियम हाइपोक्लोरिन। दो तारों की लंबाइयों और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है, अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा? 10 ओम। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन बी दूसरा और चौथा। सुप्रसिद्ध चित्र वणी ठणी किस शैली का है? ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सदृश पुलों में रूपांतरित कर देते हैं? जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते हैं जाते हैं, ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो भैया मेरे ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मेघालय में। माटी त्योहार किस संभाग की जनजातियां हैं? माटी त्योहार। ऑप्शन ए बस्तर विभाग। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी अवस्थित है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी ये कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है ऑप्शन बी नैनो में, नैनी। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? भैया मेरे वीडियो में काफी मेहनत पड़ती है, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए और हमको पता चले कि हमारी मेहनत सफल हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल यातायात भागीदारी में सड़क परिवहन की भागीदारी कितनी है? ऑप्शन सी 70%। ये सोने का टाइम नहीं है, ये पढ़ने का टाइम है मेरे भाई। मई का महीना चल रहा है, मई जून तो लॉकडाउन होगा, ये तो कन्फर्म है।
और आपका एग्जाम जुलाई या अगस्त में हो जाएगा, ये 100% है। तो एक नया जोश बनाइए अंदर से कि हमको ये करना है, करके कुछ दिखाना है अपने घर वालों को, अपने घर वालों का सपना पूरा करना है, हमको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। ठान लीजिए, यदि आप ठान लेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा मेरे भाई मेरी बहनें। करके देखिए मेरी बात, एक बार आप मान के देखिए, इतना काम करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो क्वेश्चन अगला हमारा है, आकार बहुला का संबंध किस बोली से है? हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ सभी बच्चों को, ताकि सभी बच्चों की आंखें खुलें। ऑप्शन ए खड़ी बोली, लगभग लगभग मैथ का, रीजनिंग का, और जो भी आपके जीके जीएस के चैप्टर थे, सारे चैप्टर मैं क्लियर करवा चुका हूँ, उसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। यदि आप प्लेलिस्ट चेक ना कर पाएं और उससे तैयारी ना कर पाएं, तो आपसे बड़ा कोई दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति कोई नहीं होगा। ब्रज शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है? मथुरा शैली के नाम से। भारत के किन राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं, आलू और गन्ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति 2013 के तहत कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन सी 5.1%। चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? चुनार सीमेंट उद्योग के लिए। कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म हुआ था मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौटंकी लोक नाट्य की कितनी शैलियां हैं? कितनी शैलियां हैं? ऑप्शन बी 2,